आइंस्टाइन का ब्रेन एक बार चुरा लिया गया था और इसके बारे में आइंस्टाइन जानते थे कि उनके मरने के बाद साइंटिस्ट उनके ब्रेन पर रिसर्च करेंगे और ये आइंस्टाइन बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन 1955 में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो डॉक्टर थॉमस ने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया और बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने आइंस्टाइन की आंखें भी निकाल ली थी, जिसके बाद ब्रेन को 240 हिस्सों में बांटकर ऐसे जार्स में रख दिया और सदियों तक उसे संभाल कर रखा ताकि उस पर रिसर्च करके आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस का राज जान सके। फिर चोरी होने के 23 साल बाद 1978 में जर्नलिस्ट स्टीवन लेवी ने डॉक्टर थॉमस का पता लगाया कि वो आइंस्टाइन का दिमाग लेकर विचिटा सिटी में है और अब आइंस्टाइन का ब्रेन प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में है, जहां किसी को भी उसे देखने की परमिशन नहीं है, लेकिन दिमाग के 46 छोटे पीसेस द मटर म्यूजियम में देखे जा सकते।